हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण राय। आज मैं आपको ओरल हाइजीन के बारे में जा रही हूँ। अब चले स्टार्ट करें फ्रेंड्स। ओरल हाइजीन का मतलब क्या होता है? टंग, लिप्स, टीथ एंड और क्या होता है? गम्स। हाँ, और अपनी टीथ को क्लीन और साफ करके रखना चाहिए। तो आज मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलो, तो मैं आपको अब स्टार्ट करें। तो चलो देखो, मैंने एक चॉकलेट उठाई और उसे खाया। खा तो लिया, अब मैं क्या करूँगी? उसके बाद मैंने दूध भी पी लिया, अब मैं क्या पीऊंगी? पानी। मैंने पानी क्यों पिया? ताकि मेरी टीथ में कैविटी ना लगे। और अब कैसे रिंस करते हैं वो मैं तो अब मैं आपको ब्रश के बारे में बताऊंगी। सुनिए फ्रेंड्स, है ना, हम बच्चों के लिए तो छोटा ब्रश होता है। जैसे मैं देखूँ, मम्मा मेरे लिए लाई है छोटा ब्रश, तो छोटे ब्रश की ब्रिस्टल्स सॉफ्ट टोन चाहिए। हमें छोटे पी की तरह लगाना चाहिए तो उस पर। तो चलिए बताते हैं कैसे। ऐसे तो उस पर लगाना चाहिए और ऐसे साइड साइड में और आ आ आ आ आ आ टू टाइम्स ब्रश करना चाहिए और ऐसे स्ट्रेट। ओ सुनिए, ब्रश तो हमारा कंप्लीट ही है। तो ये क्या है? ये टंग क्लीनर है। तो चलें, हमारा टंग साफ हुआ, टंग भी क्लीन हो गया, ब्रश भी क्लीन कर दिया। और अब अगर हमारे टीथ में और जंपफूट अभी है तो हम लोग क्या करेंगे? मम्मा से कहेंगे कि डेंटल फ्लॉस से हमारा जो कचरा है वो निकाल दे बाहर। तो सुनिए, आज हमने ओरल हाइजीन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। तो अब बारी है, हम लोग अपने टीथ को हेल्दी कैसे बनाएंगे? हमको ना बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए और बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हमें मिल्क भी पीना चाहिए, उससे बहुत कैल्शियम मिलता है जिससे टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बिल्कुल नई टीथ के तरह। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह टीथ को क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए और स्ट्रॉन्ग रखिए और बहुत पावरफुल भी। बाय बाय।